हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेडीमेड कुर्ते की फिटिंग बताऊंगी कि किस तरह से हम इसकी घर पर ही फिटिंग कर सकते हैं। ये हमारा रेडीमेड का कुर्ता है, तो इसकी फिटिंग करना बताएंगे हम दो तरीकों से। तो कैसे करते हैं चलिए, पहला तरीका बताते हैं। पहले हम इसको रॉन्ग साइड में कर देंगे, ये साइज में थोड़ा बड़ा है हमारे, तो हम इसको अपने साइज की फिटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना नाप लेना होगा, सही अच्छा से नाप लेना होगा, फिर सही होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये देखिए हमने रॉन्ग साइड में कर लिया, और हमारे ये ब्रेस करने नाप है 36। तो पहले तो हम इसका बीच में निशान लगा लेंगे, ये हमारा 20 है, तो हम इसके 10 पे निशान लगा लेंगे 20 का, ये हमारा बीच का निशान हो गया। अब हमें 36 के दो पार्ट करने हैं, डबल है हमारा, तो हम 18 रखेंगे इसका साइज, तो 18 यहाँ तक हम 9 रखेंगे और यहाँ तक हमारा 18 आना चाहिए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है इस साइड का, और ये एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा बीच आ गया। तो इस तरह से एक तो ये निशान हो जाएगा और इधर ये निशान हो जाएगा। हमें 5 इंच निशान लगाना है, ये हम हाइट के हिसाब से भी लगा सकते हैं, 6 इंच या 7 इंच। तो ये हम 5 इंच नीचे लगाएंगे। यहाँ पर हम कमर लेंगे, कमर है हमारी 32, तो हमें चाहिए 16 इंच, तो 8 इंच में रखेंगे और हम दोनों साइडों में निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर भी, तो ये हमारा इस तरह से चला जाएगा, इधर भी ये इस तरह से जाएगा। अब हम हिप का निशान लगाएंगे यहाँ पर चाक के पास, तो ये हमारा है 40, तो ये हमें चाहिए 20। तो ये टोटल साइज हमारा है 21, तो हम 21 का हाफ करेंगे यहाँ पे 10.5, ये हमारा बीच है 10.5 पर, ये बीच हो जाए, तो हमें बीच से देखिए 20 देखिए, तो 10 हमारा यहाँ रहेगा, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है इधर। तो ये 10 हमारा इधर एक्स्ट्रा बच गया, इधर हमने ये निशान लगा, ये हमारा एक्स्ट्रा, तो ये हमारा 20 हो गया। तो अब हमें इस पर इस तरह से ये निशान लगा, तो ये हमारा पार्ट है जो हमें स्टिच करना है, ये इधर हमारा इस तरह से आ जाए, तो ये हमारा साइज आ जाएगा। अब हमें बाजू का करना है, तो बाजू हमारी हमें किस तरह से चाहिए, सामने हमें 6 इंच 5.5 इंच चाहिए फिलहाल, यहाँ पे आगे सामने यहाँ पे 10 इंच चाहिए, 10 इंच, तो ये हमारी कंफर्टेबल है इतनी पर। और ये मोटे हमारे हमें चाहिए 7.5, तो ये भी कंफर्टेबल है, तो हम इस वाली स्टिचिंग को इस तरह से मिलाते, तो ये इस तरह से ही हमारा नाप आ जाएगा, स्टिच कर लेंगे इस तरह से, ये वाली स्टिचिंग है हम इसे इस तरह से मिलाते, तो ये स्टिच कर लेंगे। तो एक तो ये तरीका हमने किया है फिटिंग के लिए, और दूसरा तरीका ये है कि हम अपना पुराना कुर्ता लेंगे और उसको एकदम सही साइज से इसके ऊपर बिछा लेंगे, जो हमारा बिल्कुल सही फिटिंग का कुर्ता है वही रखेंगे हम इस तरह से, हम इसे इसके ऊपर बिछा लेंगे कुर्ते से ही हम फिटिंग बनाएंगे। ये हमारा एकदम परफेक्ट फिटिंग का कुर्ता है, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। अब हमें निशान लगाना है, तो ये देखिए ये निशान हमारा कैची रख के इस स्टिचिंग पे इस तरह से लगा सकते हैं, ये कैची हमारी इधर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, तो ये हमारा सही निशान आएगा एकदम, अगर हम इस तरह से भी हम इसका फिटिंग कर सकते हैं। दूसरा हम इसे फोल्ड करके कर सकते हैं, ये हमने फोल्ड किया और ये हम अपना कुर्ता रख लेंगे इसके ऊपर फोल्ड करके, ये साइज बराबर नाप करेंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी,
आप चाहे तो इस पर प्रेस मार के ठीक कर लेना, सीधा हो जाएगा तो अच्छे से ना पाएगा। तो ये हम इस तरह से इधर भी निशान लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इस तरह से भी हम फिटिंग अपने कुर्ते की कर सकते हैं। इस तरह से हम ये फिटिंग कर लेंगे और ये यहाँ से हम सेट कर लेंगे इसे अच्छे से। तो इस तरह से हमारे ये कुर्ते की फिटिंग आ जाएगी और इसको हम स्टिच कर लेंगे और हमारा कुर्ता तैयार है परफेक्टली। तो अगर आपको हमारे फिटिंग के टिप्स पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।